देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। उस रात मैं सत्येंद्र के घर जाने के लिए निकला था। मैं अभी आधी ही दूर पहुंचा था कि रास्ते में एक औरत अपने दो बच्चों के साथ लिफ्ट मांगती हुई नजर आई। रास्ता काफी सुनसान था, ऊपर से रात का वक्त और गाड़ी रोकते हुए मैं हिचकिचा तो रहा था, मगर मैंने फिर भी गाड़ी रोक ही दी। मेरे गाड़ी रोकते ही वो और अपने दोनों बच्चों के साथ मेरी गाड़ी के करीब आए और बोले, वो क्या है कि मैं रास्ता भटक गई हूँ, क्या आप हमें मेसोभी छोड़ देंगे? मेसोभी का नाम सुनते ही मैंने उस औरत से कहा, अरे आप तो गलत रास्ते पर हैं और यहाँ से तो कोई गाड़ी भी नहीं मिलेगी। वैसे तो मुझे दूसरी तरफ जाना है, पर आप बैठिए, मैं आपको कुछ दूर छोड़ देता हूँ जहाँ से आपको कोई ना कोई गाड़ी मिल ही जाएगी। फिर उन तीनों को गाड़ी में बिठाने के बाद मैं अभी कुछ ही दूर आया था कि पीछे बैठी वो औरत अपना सिर गाड़ी की खुली खिड़की से बाहर निकालते हुए बोली, अरे चलो गाड़ी में आ जाओ। उसके इतना कहते ही जब मैंने गाड़ी की खिड़की से बाहर की ओर देखा तो पाया कि बाहर तो कोई भी नहीं है। मैं इससे पहले उस औरत से कुछ कहता कि उसके दोनों बच्चे भी अपनी माँ की तरह ही चिल्लाते हुए कहने लगे, जल्दी आओ वरना हम आगे निकल जाएंगे। पता नहीं क्यों मुझे उनके पागल भरी हरकतें देखकर बड़ा ही डर लग रहा था। मैंने उनसे पीछा छुड़ाने के लिए स्पीड बढ़ाई ताकि उन्हें आगे वाले मोड़ तक जल्द से जल्द छोड़ दूं। और जब मैं उस मोड़ पर पहुंचा तो मेरी गाड़ी रुकी ही नहीं, मतलब कि अब गाड़ी अपने आप ही चले जा रही थी। गाड़ी को अपने आप चलता देख मेरी तो हालत खराब होने लगी। तभी गाड़ी एकदम से मुड़ी और एक ऊबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए एक बस्ती में जाकर रुकी। गाड़ी के रुकते ही वो तीनों गाड़ी से उतर गए। उस वक्त मैं इतना डरा हुआ था कि मुझे कुछ भी नहीं सूझ रहा था। तभी मुझे उन जर्जर पड़ी बस्ती के घरों से लोग आते हुए दिखाई दिए जो बड़े ही अजीब से लग रहे थे। और देखते ही देखते मेरी गाड़ी के बाहर वो सारे लोग जमा हो गए। मैंने किसी तरह गाड़ी को रिस्टार्ट किया और गाड़ी रिवर्स में भगा ही रहा था कि तभी मैंने देखा कि वो सारे लोग उन तीनों जनों पर एकदम से टूट पड़े। मगर मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उन्हें बचाने जाऊं। मैं उसी वक्त वहां से निकल गया और गाड़ी को पीछे मोड़ते हुए वापस घर की तरफ चल दिया। घर वापस लौटते वक्त मुझे ठीक उसी जगह पर फिर से वही औरत अपने बच्चों के साथ वहीं सड़क के किनारे दिखी, जिसे देखकर अब मैं बुरी तरह से घबरा गया था। इस बार मैंने गाड़ी नहीं रोकी और आगे निकल गया। कुछ दिनों बाद जब मैंने इस बारे में चर्चा की तो पता चला कि उस हाईवे पर एक परिवार लिफ्ट मांगता हुआ नजर आता है, जिसे गांव वालों ने गांव से बाहर निकाल दिया था क्योंकि उन्होंने ऊंची जाति वालों के कुएं से पानी निकालने का गुनाह कर दिया था, जिसके बाद गांव से बाहर उनके साथ एक हादसा हो गया जिसमें वो परिवार मारा गया। मगर उनकी आत्मा आज भी उस गांव में वापस जाना चाहती है, मगर वो गांव भी अब वीरान हो गया है। कहते हैं कि उसी परिवार ने उन सब गांव वालों को जान से मार डाला जिनकी आत्माएं उन्हें उस गांव में घुसने नहीं देती। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।